इसको आप रोटावेटर की जगह भी चला सकते हैं, 4.5 फुट का रोटावेटर इसके साथ में आएगा। अच्छा जी, ये आएगा ही आएगा। अच्छा, मशीन आएगी और साथ में रिपर आएगा। अच्छा जी, आप इसको अकेला चलाइए, इकट्ठा चलाइए, जैसे भी आपका मन करता है उस तरीके से इसे चला सकते हैं जी। लाइन से, वाह भाई वाह। बता दूं, जितने मेरे यूपी के भाई हैं, एमपी के भाई हैं, वहाँ पर बहुत से ऐसे भाई हैं जो भाड़े का काम करते हैं जी, जिनके पास अपनी जमीनें कम हैं जी, साथ में वो अपनी जमीन का काम करते हैं, साथ में भाड़े का भी काम करते हैं जी जी। जिन लोगों ने भाड़े का काम करना है उनके लिए तो ये इतना बड़ा वरदान है कि आप सोच ही नहीं सकते हैं। नमस्कार दोस्तों, भाइयों, आज की जो वीडियो है, आज की वीडियो दोस्तों भाई बहुत ही स्पेशल होने वाली है। आपको पता है भाई, सभी भाइयों का, कि भाई गेहूं का सीजन आ गया, अब गेहूं की कटाई लगने वाली है, तो उसके लिए एक शानदार प्रोडक्ट लेकर आए हैं सर, क्योंकि भाई मजदूर की जो है ना बहुत तंगी होगी, आजकल मजदूर मिलता नहीं और भाई सब जगह कंपेन वगैरह जाती नहीं, ठीक है। तो दोस्तों यहाँ पे कुछ हमारे साथ किसान भी है, किसान भी भाई डेमो लेकर देखना चाहते हैं कि भाई मशीन कैसी चलती है कैसी नहीं। नमस्कार सर। नमस्कार जी। नमस्कार नमस्कार। अच्छा, आप थोड़ा आगे आ जाइए सर। तो दोस्तों भाई ये राजा एंटरप्राइजेस के मालिक है, आपसे इनका परिचय करवाता हूँ। तो सर पहले अपना परिचय करा दो। मेरा नाम एस राजा, संजीव राजा जी, राजा एंटरप्राइजेस से हूँ जी, जो कि 33 वर्षों से कंपनी चल रही है, जहाँ पे मैं अपने बड़े भाई साहब की बदौलत ही आया हूँ जी। ये बड़े भाई साहब का एक वरदान समझिए, बड़े साहब का बलिदान समझिए। पहले ये कंपनी इकट्ठी होती थी ना सर, आप दोनों की कंपनी जी, राजा भाई की और आपकी? बिल्कुल, राजा भाई और मेरी इकट्ठी होती थी जी। कंपनी राजा भाई के नाम पे थी जी, और ब्रांड मेरे नाम पे था जी। अब राजा भाई ने बड़प्पन दिखाते हुए जो कंपनी मेरे नाम पे कर दी है जी, और उन्होंने अपनी कंपनी राजा भाई इंटरप्राइजेज के नाम से नहीं बना ली है। अच्छा जी। और वो छोटे प्रोडक्ट बनाने लगे हैं जी, और उन्होंने वीडर, टिलर, रिपर और बैक रोटरी जी, ये 4 प्रोडक्ट मुझे दिए हैं जी। उन्होंने बोला है शानदार तरीके से काम करो, बिल्कुल, और शानदार तरीके से करो। और उन्होंने ये भी साथ में एक संदेश दिया है कि बड़े टिलर और बड़े रिपर के लिए मुझे परेशान मत करो भाई, अब मैं छोटे ही प्रोडक्ट बेचूंगा, बड़े प्रोडक्ट नहीं बेचूंगा। बिल्कुल बिल्कुल बिल्कुल, ईमानदारी से काम करो, ईमानदारी से फल बिल्कुल मिलेगा। बिल्कुल बिल्कुल। अच्छा, तो साथ में यहाँ पे किसान भी है जी, इनसे भी परिचय करवा देता हूँ। नमस्कार जी। अच्छा सर, आपका क्या नाम है? उपेंद्र सिंह। अच्छा, तो मशीन देखना चाहोगे कैसी चलेगी या कैसी नहीं? हाँ, आज देख जाएंगे, ठीक है, क्योंकि भाई मजदूरों की तंगी है। चलो आपके यहाँ तो कंपेन का रास्ता है, ठीक है, बहुत जगह ऐसी है, यूपी में लगा लो, एमपी में लगा लो, ठीक है, क्योंकि भाई वहाँ पे मशीन नहीं जाती, ठीक है, तो वहाँ पे जाती है ये मशीन, ठीक है, ये है छोटा रिपर दोस्तों, ठीक है। तो सर इसकी कुछ विशेषताएं बताओ। सर इसकी विशेषता ये है कि मैं जहाँ से शुरू करना चाहूंगा जी, 10 HP का मशीन है जी, इटालियन इंजन टर्बो में। अच्छा, इसके साथ ये रोटावेटर के ब्लेड भी लगते हैं जी जी, इसके साथ ये सारी अटैचमेंट भी लगती हैं। अच्छा, ये मतलब 2-in-1 है? ये 2-in-1 के साथ में इसके ये रिपर भी लगता है। अच्छा, रिपर भी चलेगा, रोटावेटर भी चलेगा, चलेगा और अटैचमेंट भी, अटैचमेंट भी चलेंगी, मतलब कुछ भी अटैचमेंट, अकेली अटैचमेंट नहीं, इसके पीछे अगर आप ट्रॉली लगाना चाहते हैं जी, उसमें 1 टन वजन लेके, 1000 किलो वजन लेके जी, वो भी चलेगा। अच्छा, यानी कि 2-in-1 बोलते हैं, 3-in-1 बोलते हैं, कुछ भी बोल लीजिए जी 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 जी। तो आज जैसा मतलब हम यहाँ पे डेमो करने वाले हैं, सबसे पहले किस चीज का करने वाले हैं भाई साहब? डेमो तो हम ये रिपर का देंगे इस बार में जी, क्योंकि रिपर का सीजन है। बिल्कुल, और कनक की कटाई, बिल्कुल बिल्कुल, किसान भाई भी साथ में है। बिल्कुल, किसान भाई इसीलिए आए हैं, ठीक है, भी मशीन लेना है, ये बोल रहे हैं कि इसको काट के दिखाओ सही। अच्छा, एक बात और मैं कहना चाहूंगा किसानों से, देखो सर जो बात है ना रियलिटी में, आपको वही बतानी है, जैसी मशीन चलेगी ऐसा ही बताना है, कोई गलत संदेश लोगों तक नहीं भिजवाना है, नहीं भेजेंगे जी, कोई, ठीक है ना जी, संदेश नहीं। हाँ, क्योंकि कुछ बात मेरी गलत हो सर आप बता दो। नहीं नहीं, ठीक है ठीक है, ठीक है ना जी। हाँ, ठीक है। तो चलो जी करो स्टार्ट, ठीक है, करो जी स्टार्ट। तो सर कितने एचपी की है वैसे मशीन? ये 10 HP की मशीन है जी। अच्छा, 3 फिट का इसमें रिपर लगा है। अच्छा, और इसमें जो ब्लेड देते हैं वो 4.5 फिट का रोटावेटर है जी। जी जी, तो चलो जी स्टार्ट करो और दिखाओ एक बार चला के कैसी फसल काटती है ये मशीन। दोस्तों वीडियो में बने रहे, अभी दिखाते हैं कितनी मतलब कितनी सफाई है इसके अंदर, सब कुछ दिखाएंगे भाई, ठीक है, वीडियो में बिल्कुल बारीकी से दिखाएंगे, ऐसी बात नहीं कि भाई कोई कट होगा या कोई कुछ नहीं, बिल्कुल एकदम क्लियर होगी वीडियो। ये देखो भाई सेल्फ स्टार्ट मशीन है, पहले सेल्फ में स्टार्ट होगी मशीन। ये आ गई भाई खेत में,
भाई साइड में कैसे फसल डाल दी, वाह भाई वाह, शानदार भाई। और भाई कटिंग देख लो पीछे, जैसा आप देख रहे घंटों का काम मिनटों में। अरे वाह, गजब भाई गजब है भाई। सब भाई देख लो दोस्तों, ये देख लो, एक मिनट बंद कर दो भाई इसको, एक मिनट, हाँ एक मिनट इधर से दिखाता हूँ। ये देख लो भाई, ये जो गेहूं है ना, ये नीचे पड़ा हुआ था, ठीक है, इसको भी इसने कितनी सफाई से काट दिया। और जो खेत है ना, ये ऊंचा नीचा है, और बाकी भाई किसान हमारे साथ है, गिल्ला भी है जी, गिल्ला भी है जी, ये खुद बताएंगे, ठीक है। तो सर जैसा आपने कटिंग देखी, कैसी कटिंग की? बहुत बढ़िया कटिंग है, बढ़िया करी जी, पूरी बढ़िया, कोई दिक्कत वाली बात तो नहीं है सर? अच्छा आप इधर आ जाओ जी। एक किले को जी ज्यादा से ज्यादा इसको एक घंटा लगेगा जी, एक घंटा जी, एक घंटे में क्लियर कर देगी, बिल्कुल क्लियर कर देगी। हाँ। जी तो एक घंटे में मतलब, ये देख लो दोस्तों, ये मशीन तेल कितना खाएगी जी? अरे भाई साहब इसने तेल क्या खाना है, 700 ग्राम में एक किला पूरा कर देगी जी, एक किला पूरा कर देगी जी। अच्छा जी, अब थोड़ा किसानों से बात करते हैं, एक घंटे में जी सर कह रहे कि एक किला पूरा कर देगी और 700 ग्राम तेल खाएगी, पेट्रोल, ठीक है, तो 700 ग्राम तेल कितने का होगा सर? लगभग 70 रुपए का, 65 रुपए, हम 70 का मान लेते हैं, 65 रुपए भाई, चलो 65 मान लेते हैं, ठीक है, 65 रुपए का हो गया जी। तो 65 रुपए में इसने एक किला काट दिया जी, कितना फायदा हो गया जी? फायदा तो है जी, बहुत फायदा हो गया, फायदा हो गया ना। मजदूर कितना लेता है जी यहाँ पे, क्या चलता है जी? एक किला काटने के लिए 5 आदमी लगते हैं। अच्छा जी, और 5 आदमी लग के अगर एक किला काटते हैं तो कम से कम 3000 रुपया लेते हैं, साथ में 3 टाइम की रोटी साथ में आती है। अच्छा जी, और साथ में इसमें से तुड़ी की पंड भी लेके जाते हैं। नहीं नहीं, वो तो सब जगह होता है जी, जी ठीक है, यही तो बात है ना, घंटों का काम मिनटों में, घंटों का काम मिनटों में होगा, टेक्नोलॉजी का इस्तेमाल किया गया है, एक घंटे में एक एकड़ काटने की मैं गारंटी देता हूँ, और 700 ग्राम ईंधन की मैं गारंटी देता हूँ। जी जी जी, ठीक है दोस्तों, खुद आप अपने हिसाब से हिसाब लगा लेना कि एक घंटे में 700 ग्राम तेल खाएगी और भाई एक किला काटेगी, बिल्कुल काटे, ठीक है। अब दिन में आप, वो आपकी इच्छा है, ठीक है, आप कितना काम करना चाहते हो, कितना काम करने का इच्छुक हो, ठीक है, मशीन आपके सामने है, चला के भी दिखाई। बता दूं जितने मेरे यूपी के भाई हैं, एमपी के भाई हैं, वहाँ पर बहुत से ऐसे भाई हैं जो भाड़े का काम करते हैं जी, जिनके पास अपनी जमीनें कम है जी, साथ में वो अपनी जमीन का काम करते हैं, साथ में भाड़े का भी काम करते हैं जी जी, जिन लोगों ने भाड़े का काम करना है उनके लिए तो ये इतना बड़ा वरदान है कि आप सोच ही नहीं सकते हैं। बिल्कुल, वो एक साल में क्या, 6 महीने में इस मशीन की कीमत को पूरी की पूरी अपने हम, 6 महीने में नहीं सर, एक सीजन में बोल रहा हूँ, सीजन में जो 20 दिन का सीजन, 20 दिन का सीजन है, उस सीजन में इसकी मशीन की कीमत उनके घर में आ जाती है। जी जी जी, ठीक है, अपना काम भी कर लेंगे और मशीन फ्री हो जाएगी, मशीन फ्री हो जाएगी, ठीक है। तो एक बार और कहूंगा मैं, एक बार और चला के दिखाओ थोड़ी, चलाएंगे, ठीक है, क्योंकि भाई बहुत शानदार तरीके से मशीन चली है, ठीक है, मशीन तो बहुत बढ़िया। ये देख लो भाई, अंकल प्यारे, कोई बात नहीं, उठा लेने दो। अच्छा सर, कुछ लोग कहेंगे कि भाई हरी फसल बर्बाद कर दी, इसका क्या करोगे? अरे भाई साहब पहले बता दूं, ये मेरी पश्तैनी जमीन है जी, और दूसरी फसल, ये फसल बीजी ही इसीलिए जाती है ताकि काटी जाए कच्ची जी, और तीसरी ये गौशाला में जाती है, बर्बाद कभी नहीं होती, इतना दाना भी बर्बाद नहीं होता। अच्छा अच्छा, ये सारी की सारी फसल रेड़े पे लाद के जी, या इसके पीछे ट्राली में डाल के जी, ये सारी की सारी गौशाला में जाती है। बड़ी अच्छी बात है, ठीक है सर। ये देख लो भाई कितने शानदार तरीके से लाइन में डालती है, एक भी पेड़ गेहूं का आपको अलग नहीं दिखाई देगा। तो दोस्तों भाई अभी कुछ और चला के देखते हैं थोड़ी देर मशीन को, रिजल्ट देख लो आपके सामने है। तो दोस्तों भाई इस मशीन ने इतना अच्छा काम किया है, आप विश्वास नहीं कर सकते, गिल्ला खेत है, 2 चक्कर हमने मशीन से ला के दिखाए हैं आपको, एक ये रहा, एक इससे इधर पड़ा है, ठीक है, गिल्ला होने के कारण, ठीक है, आप कुछ मतलब थोड़ी कमी हो सकती है, पर बाकी है नहीं, क्योंकि इस जो जमीन की बिजाई कर रखी है वो रोटावेटर से कर रखी है,
ये जो है जमीन, ये मैं एक बात कहना चाहूंगा जी, ये जो जमीन है रोटावेटर से बनाई गई है जी, और रोटावेटर से ही ये जो जमीन की जो फसल है वो रोटावेटर से ही बीजी गई। हाँ जी, हाँ जी, बिल्कुल। अगर ये सुपर सीडर से या सीड मशीन से अगर बीजी जाती तो हम जिसका रिजल्ट आपको दिखाते वो रिजल्ट इस प्रकार का बनता जैसे कि रोडवेज पे, रोड पे पूरी सड़क होती है, NH1 का रास्ता होता है, जीटी रोड निकाल देते। और एक बात और कहना चाहूंगा, कई किसान भाई क्या करते हैं, ट्रैक्टर ले लेते हैं जी, और ट्रैक्टर के आगे एक रिपर लगा लेते हैं जी। सबसे पहले ट्रैक्टर की कीमत कितनी है, फिर उसके बाद वो रिपर की कीमत कितनी है जी, जी। और वो चलना कितने दिन है, 20 दिन चलना है, बिल्कुल 20 दिन के बाद उस मशीन को उतारा और रख दिया जी। जितने की वो मशीन है जी, उतने की मेरी ये 2 मशीनें आ जाएंगी भाई जी जी जी, और काम उससे ज्यादा करके देगी। कंपैरिजन नहीं कर रहा हूँ, बिल्कुल चैलेंज करता हूँ जी जी, उससे ज्यादा करके देगी बिल्कुल। और फिर जो डीजल खर्चा है ट्रैक्टर का, मेंटेनेंस है, डीजल खर्चा है, ईंधन की खपत है, वो मेरी मशीन से 1 किले से ज्यादा रहेगी जी जी। और मेरी जो मशीन है वो 1 किले में सारा 700 ग्राम लेगी जी जी, और काम भी छेती करके देगी। नहीं देखो, ये तो बताओ, जितना बड़ा मतलब साधन हो गया जी, उसका उतना ही बड़ा मेंटेनेंस हो गया, बिल्कुल हो गया जी। ठीक है, इसमें कोई दो राय वाली बात बिल्कुल नहीं है जी, बिल्कुल ठीक है। रही बात काम की, दोस्तों रिजल्ट आपके सामने है। इसमें तो देखो हमने कोई मतलब ना तो इसमें कुछ लगो है, उबड़ खाबड़ ना इसमें कुछ छिपा हुआ है दोस्तों, सारा नीचे से 1/2 इंच से 1.25 इंच तक काटा गया है जी। आप ना मतलब मिट्टी उठा के दिखाओ कितनी गिल्ली है। लो जी मिट्टी, देखो जी कितनी गिल्ली है जी। ये देखो भाई लड्डू बन रहे हैं मिट्टी के, मिट्टी का लड्डू है जी। ठीक है, जब फसल तैयार होगी ना जी, ठीक है, जब कनक यानी कि गेहूं तैयार होंगे उसके बाद तो रिजल्ट ही कुछ और मिलने वाले हैं। ऐसे देंगे जी जब ये पूरी तैयार हो जाएगी, अब तो ये गौशाला के लिए है जी, जब ये पूरा तैयार हो जाएगा, जब घर के लिए इसमें से लेके जाएंगे जी जी, तब आपको रिजल्ट दिखाएंगे। जब ये सुनहरी हो जाएगी जी, तो रे जैसे रोडवेज की रोड होती है, NH1 होता है जी, जमुना एक्सप्रेस होता है बिल्कुल, उस तरीके का आपको बना के दिखाएंगे बिल्कुल जी बिल्कुल। दोस्तों हकीकत बात है ये, आप देख लो। ठीक है, सर से कहूंगा मैं, आप एक साइड आ जाइए, ठीक है, क्योंकि पूरा व्यू देखना चाहिए। ये देख लो भाई कितने शानदार तरीके से कटाई की गई है, जैसे कि किसी ने भाई हाथ से कटाई कर दी हो। ठीक है, कोई इसमें छिपा हुआ नहीं है कुछ, इसमें मतलब जो कुछ भी है आपके सामने है। ठीक है, तो आइए सर से जो इसकी बात करते हैं प्राइस की, और भाई कैसे इसको मंगाने का क्या प्रोसेस तो है? सर अपनी मशीन की अपने आप ही बढ़ाई करोगे या किसानों को भी मौका दोगे? किसानों को मौका पहले मिलना चाहिए जी, मैं बाद में बोलूंगा। हाँ, तो यहाँ पे भाई काफी सारे किसान खड़े हैं, तो कैसी लगी सर आपको ये मशीन? ठीक लगी है, बढ़िया। ठीक लगी? कैसी कटिंग करी? ठीक करी है, साफ करी है। करती है घंटों का काम मिनटों में? करती है। ठीक है, सफाई करती है? बढ़िया करती है। कोई दिक्कत तो नहीं? नहीं। इसमें कुछ हमने जादू तो नहीं कर दिया? कभी कुछ जादू कर दिया हो भाई? ये बोलते हैं, देखो काफी सारे आदमी है। ठीक है भाई, कभी कुछ हमने कुछ जादू कर दिया हो इसमें? ठीक है, सही है जैसे है, मतलब ओरिजिनल है। अच्छा, तो सर से मिलते हैं। सर जी अब आप थोड़ा आगे आ जाए मैदान में, अपने दर्शकों के नजदीक। अब ये बताओ, पहले तो इसका मंगाने का प्रोसेसर बता दो। सर इसका मंगाने का वही पुराना प्रोसेसर है जी, ये वही राजा एंटरप्राइजेज है जो 33 सालों से चली आ रही है जी। पहले ऐसे बड़े भाई साहब चलाते थे, अब मैं चला रहा हूँ जी। वही प्रोसीजर है, आपको सबसे पहले आप हमें जो भी मशीन लेना चाहते हैं, हमें व्हाट्सएप या फोन जो दिए गए नंबर हैं स्क्रीन पे जी, उस पे हमें कॉल करिए या हमें व्हाट्सएप का मैसेज करिए जी, हम तुरंत आपको इसकी पूरी डिटेल भेज देंगे। उसके बाद अगर आपको मशीन पसंद आती है जी, तो हमारी कंपनी के अकाउंट में गूगल पे, फोन पे, किसी में भी 5,000 रुपए आपने डालने हैं जी, उसके बाद मशीन कंपनी से निकल जाएगी। उसके बाद बिल की कॉपी आपके व्हाट्सएप पे आ जाएगी, उसके 2 दिन के बाद उसकी बिल्टी की कॉपी भी आपके व्हाट्सएप आएगी, जिसपे आप खुद ट्रैक कर सकते हैं कि मशीन कहाँ पे कहाँ पे है। जब आपके राज्य में मशीन पहुंच गई, आपकी डेस्टिनेशन पे आ गई, तब आपको सूचित किया जाएगा कि आपकी मशीन वहां पे आ गई है। और उसके बाद जो बाकी की पेमेंट है, आपने कोई कंपनी के अकाउंट में गूगल पे, फोन पे करके हमें स्क्रीनशॉट भेजना है, उसके बाद हम कुरियर वाले को मेल करेंगे और मशीन आपके घर पे आ जाएगी, आपकी दहलीज तक आएगी जहां तक आप पिन कोड देंगे जी 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 जी। दोस्तों यानी सीधी सीधी सी बात यह है कि आप 5,000 रुपए बुकिंग अमाउंट देना होगा और मशीन आपके पास डिलीवर हो जाएगी। 5,000 रुपये भी इसलिए है, कई बार क्या होता है मशीन चली जाती है जी, और वहां पे जाके
कस्टमर का फोन स्विच ऑफ हो जाता है जी, हमारा जाने का भाड़ा लग जाता है जी जी, जीएसटी तुरंत गवर्नमेंट ले जाती है बिल्कुल, वापस आने का भाड़ा लग जाता है जी जी, ये दोनों तीनों चीजें मिला के अमाउंट बहुत बड़ी हो जाती बिल्कुल, है बिल्कुल, बिल्कुल, ये 5,000 रुपए किस्म की सिक्योरिटी ही रहती बिल्कुल, है बिल्कुल बिल्कुल, कई शरारती कस्टमर का भी इंटरेस्ट बना रहता है और हमारा भी, कुछ शरारती तत्व भी होते हैं सर ठीक है जो परेशान भी करते हैं जी हाँ, तो ये भाई सिक्योरिटी तौर पे लेते हैं। और एक बात और कहना चाहूंगा, जिस भी किसान भाई ने मंगवाना है वो इंग्लिश में एड्रेस लिख के भेजे, पिन कोड के साथ और दो फोन नंबर के साथ, अगर वो इंग्लिश में नहीं लिख सकते तो अपने आधार कार्ड की आगे की पीछे की दोनों कॉपी भेज दे। बिल्कुल 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 ठीक है, सिंपल बात है। अच्छा चलो अब आते हैं इसके मेन मुद्दे पे, किस पे सर? रेट पे। ठीक है, रेट सबसे जरूरी है जी जी, ठीक है भी बताएंगे जी। हाँ, तो अब इसका शानदार सा रेट दे दो, क्या देने वाले हो? रेट भाई साहब ऐसे है, इन मशीनों का इतना कम रेट है, जो यहाँ पे ये किसान खड़े ना ये भी खुश हो जाए भाई, ये बोले सब सबको कुछ करके दूरेंगे, आपको भी खुश करके दूरेंगे, हमने आज तक किसी को निराश किया है? राजा इंटरप्राइजेस से कभी कोई निराश होके गया है जी? मुझे नहीं बता दी। देखो सीजन आ रहा, आज और खुश कर दो दबा। अरे भाई सब दबा के खुश कर देंगे जी। सबसे पहले तो मैं ये बताना चाहूंगा जी, ये वही R125 मॉडल 10 HP का टर्बो इटालियन इंजन का मशीन है जी जी जी, इसको 2-in-1 और 3-in-1 बोलते हैं जी। ये मशीन है जी, और इसके साथ ये रिपर अटैच हो जाता है जैसे कि हमने किया हुआ जी जी जी। इसको आप रोटावेटर की जगह भी चला सकते हैं, 4.5 फुट का रोटावेटर इसके साथ में आएगा। अच्छा जी, ये आएगा ही आएगा। अच्छा, मशीन आएगी और साथ में रिपर आएगा। अच्छा जी, आप इसको अकेला चलाइए, इकट्ठा चलाइए, जैसे भी आपका मन करता है उस तरीके से इसे चला सकते हैं जी। इसके साथ और बहुत सारी अटैचमेंट लगती हैं, जैसे ये अटैचमेंट है, इसके बिना इसके साथ ट्रॉली भी लगती है जिसमें 1,000 किलो वेट लेके आप चल सकते हैं जी। और इस मशीन की कंप्लीट कैम्बो बैग का जो रेट है, बिना सेल्फ के बता रहा हूँ जी, ये मेरे पास दो प्रकार की हैं, एक सेल्फ की है जी और एक बिना सेल्फ की है जी जी जी। जो सेल्फ वाली विदाउट सेल्फ है उसका रेट 1,15,000 रुपए है, बिना सेल्फ की का। बिना सेल्फ की एक बार और बता दो क्या क्या मिलेगा उसमें भाई साहब? ये रोटावेटर मिलेगा जी, 4.5 फीट का जी, ये मशीन मिलेगी जी, और साथ में ये रिपर मिलेगा ठीक है। 1,15,000 बिना सेल्फ के, बिना सेल्फ। और इसी में मेरे पास ये सेल्फ वाला है जी, इसमें ये सेल्फ लगा हुआ है जी, इसका कीमत है वो 1,20,000 रुपए है, सेल्फ वाले की, सेल्फ वाले का। अच्छा, लेकिन इसमें मैंने ये बैटरी लगा रखी है जी, बैटरी मैं साथ में नहीं भेजूंगा भाई जी जी, क्योंकि ट्रांसपोर्टर वाला बैटरी लेता नहीं है जी, रस्ते में टूट जाती है जी। 50 लाख की गाड़ी होती है और 50 लाख का माल होता है, आग लगने का खतरा रहता है। बिल्कुल बिल्कुल, ये आप लोकल एरिया से लेंगे बिल्कुल। चलो ये तो सर नहीं भेजूंगा, 500-700 रुपए की बात है, ये कोई इतनी बड़ी बात नहीं है, ज्यादा से ज्यादा 1,000। हाँ, इससे तो हम आपसे मतलब कई गुना डिस्काउंट करवा लेंगे बिल्कुल जी। ठीक है, अच्छा जी अब ये बताओ जी, चलो इन्होंने रेट बता दिया 1,15,000, इसमें कुछ डिस्काउंट होना चाहिए किसानों के लिए, नहीं होना चाहिए जी? होना चाहिए, होना चाहिए ना। ठीक है, अगर किसान का फायदा हो जा तो इसमें बुराई की तो कोई बात नहीं सर। अरे भाई साहब, मैंने कब मना किया है? नहीं आप ना, जब डिस्काउंट की बात आती है ना सर, हाथ जोड़ के खड़े हो जाते हो। मेरठ से आप आए हैं इतनी दूर मेरे पास चल के जी, और किसान भाई मेरे साथ खड़े हैं जी, तो मैंने कब मना किया है? नहीं मना तो नहीं किया सर आपने, पर जब डिस्काउंट की बात आती है ना आप हाथ जोड़ के खड़े हो जाते हो। भाई साहब हाथ नहीं जोड़ रहा, मैं बता रहा हूँ जी, जहाँ पे मैंने ये 5 अटैचमेंट रखी है, जैसे कि ये लेबलर पड़ा है जिसे मीडा बोलते हैं, ये 3 फाल वाला कल्टीवेटर पड़ा है, ये डबल प्लाव और सिंगल प्लाव, सिंगल प्लाव। और उसके बाद यहाँ पे मैंने जो इजी टर्न रखे हैं जी, ये खास कर इसलिए रखे हैं जब रिपर चलाना होता है तो ये भारी हो जाती है जी 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 जी, इसके चक्कों में ये अलग अलग दोनों तरफ ये इजी टर्न हो जाती है। ठीक है, आराम से घूम जाती है, जहाँ भी ये घुमाना हो बिल्कुल, एक चक्का जाम हो जाता है, दूसरा चक्का फ्री हो जाता है, वो अपने आप घूम जाता है। अच्छा, इन सभी की कीमत जितनी ये 5 अटैचमेंट पड़ी है 1800 से लेके 2000 तक है जी, इनमें से कोई भी 2 अटैचमेंट है वो इस मशीन के साथ फ्री में फ्री ले सकता है दोस्तों, रोटावेटर प्लस रिपर और 2 अटैचमेंट हो रात में फ्री आएंगे। ठीक है जी, चलो ये भी बहुत है। ठीक है, अब बात आ गई फिर से वही घूम फिर के जी। ठीक है, जैसा आपने घुमा दिया ऐसा हम फिर से घुमा देंगे। बात आ गई डिस्काउंट पे, सर डिस्काउंट कर तो दिया दो, वही तो बात है ना सर, मैं यही तो बोल रहा हूँ ना, जब डिस्काउंट की बात आती है आप हाथ जोड़ के खड़े हो जाते हो। सर नहीं, हाथ तो मैं ये देख लो जी, किसानों के आगे ही जोड़ूंगा। देखो डिस्काउंट चाहिए, कैश डिस्काउंट चाहिए बिल्कुल बिल्कुल, कैश डिस्काउंट चाहिए, कैश डिस्काउंट चाहिए जी, जितनी भी मशीनें जहाँ पे रुकी हुई हैं। और सुनो, दो बार नहीं,
एक बार में ही ऐसा डिस्काउंट कर दो सर। इतनी भी मशीनें जहाँ पे हैं, कोई सेल्फ वाली है या बिना सेल्फ के है जी, 5,000 रुपए का सीधा डिस्काउंट रहेगा। एक 15 वाली एक 10 में आएगी और एक 20 वाली एक 15 में आएगी। बिल्कुल बिल्कुल ठीक है, ठीक है जी। 5,000 की डिस्काउंट तो बहुत है, क्योंकि भाई मोटरसाइकिल 9,000 हो गए हैं, 5 वो हो गए हैं, 4,000 की अटैचमेंट भी हो गई है। ठीक है, क्योंकि भाई लाख रुपए की मोटरसाइकिल आती है और उस पे आपको 1 रुपए का डिस्काउंट नहीं मिलता। ठीक है जी। अच्छा एक बात और बता दो जी, जी जो किसान भाई इस मशीन को बिना रिपर के लेना चाहता है वो बिना रिपर के ले सकता है? बिल्कुल ले सकता है जी, अकेला रिपर भी अगर लेना चाहे तो रिपर भी ले सकता है। अच्छा, अकेली मशीन लेना चाहता है तो मशीन भी ले सकता है। ठीक है जी, ठीक है बात। दोस्तों भाई अकेली भी आपको मिल सकती है इनके लिए आप, क्योंकि मैं ये कहना चाहूंगा कई किसान भाइयों ने पहले हमसे ये वीडर लिए हुए हैं जी, तो उनको अकेले रिपर की जरूरत है जी, तो कंपनी से किसी को भी मना नहीं किया जाएगा कि आपको रिपर नहीं मिलेगा जी। और जो किसी ने कहीं और से भी ले रखा है जी, उनके लिए भी मना नहीं है जी। पूरे हिंदुस्तान में जिस भी कस्टमर को चाहिए होगा रिपर जी, उसको हम रिपर प्रोवाइड करवाएंगे, उसको रिपर देंगे और वही कीमत पर देंगे जो मेरे किसानों के लिए है, जो बाहर से लिए हुए टिलर है उनके लिए जी जी जी, सभी के लिए एक ही प्राइस रहेगा। तो दोस्तों वीडियो में नंबर दिए गए है, अगर आपको अकेले वीडर की जानकारी लेनी है तो आप फोन करके ले सकते हो। ठीक है, रेट वगैरह सब आपको बता दिया जाएगा। ठीक है, तो सर गारंटी और वारंटीज की क्या रहने वाली है ये भी बता दो। ये तो हर बार पूछने की जरूरत ही नहीं है जी, 33 साल से कंपनी चल रही है जी, आज तक कंपनी ने वारंटी दी ही नहीं है जी। जी गारंटी है, गारंटी है, गारंटी है जी। मेरी इस मशीन में मान लीजिए इंजन खराब हो जाता है जी, तो इंजन चेंज कर दिया जाएगा जी। गियर खराब हो जाता है तो गियर नया मिलेगा जी। रिपेयर किसी चीज की नहीं करके दूंगा जी जी जी। रिपर में कोई दिक्कत आ जाती है तो रिपर पूरे का पूरा चेंज कर दूंगा जी। वैसे इस रिपर में चेंज करने के लिए सिर्फ एक ही चीज है, जहाँ की जो स्ट्रिप होती है, जहाँ पे जो ब्लेड लगे हुए हैं जी जी जी। पहले तो ये 3 साल की वारंटी है मेरी, 1 साल की गारंटी है। अच्छा, खराब नहीं होते जी। अगर खराब हो भी जाते हैं तो पूरा रिपर कंपनी में भेजने की जरूरत नहीं है जी। सिर्फ ये नीचे के 4 बोल्ट खोल के जी हमें भेज दीजिए, हम इसे चेंज करके आपको ठीक करके भेज देंगे। बिल्कुल बिल्कुल बिल्कुल। अच्छा ये गारंटी मशीन की कितने दिन की रहने वाली है जी? सर 1 साल के लिए गारंटी रहेगी, गारंटी रहेगी, मैं फिर से बोल रहा हूँ, रिपर की भी गारंटी रहेगी और मशीन की भी गारंटी। बिल्कुल बिल्कुल बिल्कुल। तो दोस्तों भाई यही था वीडियो, अगर पसंद आई हो वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें। दोस्तों वीडियो देखने के लिए धन्यवाद। जय जवान, जय किसान, जय किसान।